टेन न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम। सभी हमारे आज के प्रतिष्ठित एड्यूप्रेनियर्स को प्रणाम। आज का ये सीरीज का, राष्ट्र पुनर्निर्माण की सीरीज का दूसरा कार्यक्रम है और आज हमारे साथ बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार और दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कार्यक्रम का आधार क्या है और कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। कार्यक्रम ये केवल इस कारण से है कि जो एड्यूप्रेन्योर्स देश में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर, गाँव में, रूरल एरियाज में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन्होंने इसको अपना एक उद्देश्य, अपना एक जीवन का ध्येय माना है कि हम अच्छी शिक्षा गाँव में देंगे और सब बच्चों को, ताकि बाहर ना जाना पड़े, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस वहाँ एस्टेब्लिश किए। ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है। कार्यक्रम का शीर्षक है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्यूप्रेन्योर्स। एड्यूप्रेन्योर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देश निर्माण में, देश पुनर्निर्माण में, ये कार्यक्रम का मेन थीम है। आज हमारे कार्यक्रम में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आए हैं, मैं उनसे आपका परिचय। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं श्री अर्पित चड्ढा जी। श्री अर्पित चड्ढा ITS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहिए या चेयरमैन कहिए, पूरा श्री चड्ढा जी चला रहे हैं। अभी इन्होंने ITS को एक यूनिवर्सिटी बना दिया है, तो अब ITS यूनिवर्सिटी के ये चांसलर भी हो जाएंगे कुछ दिनों में। और चड्ढा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, MBA हैं और स्वयं क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट में इनकी रुचि है, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और कराटे के भी पैट्रॉन हैं। ये बहुत सारी एसोसिएशंस में बड़े बड़े स्थान पर उनके बोर्ड्स में हैं। अब हम अपने अगले एक्सपर्ट के पास आते हैं, ब्रिलियंट एक्सपर्ट श्री अर्पित चड्ढा जी, जिन्होंने अभी ये फाउंडर चांसलर हो जाएंगे अपनी नई यूनिवर्सिटी के। ITS यूनिवर्सिटी बन गई है, मुझे पता चला है। बहुत बहुत बधाई अर्पित जी। आप छोटी छोटी बात पे बड़ा क्रोध कर लेते हैं, जब शिक्षा में अच्छे काम नहीं होते तो इनको रोष आता है कि हम उसको कैसे ठीक कर दें। आप करणधार हैं चीजों को ठीक करने के अर्पित जी। हम आप सब आपकी तरफ देखते हैं कि अर्पित जी चीजों को ठीक करें। तो अर्पित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न जो है वो रिलेटेड है, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आज पूरे समाज में ये माना जाता है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके संस्थापक पैसा बनाने के लिए इंस्टीट्यूट इन्होंने खोले हुए हैं, और ये अध्यापकों का शोषण कर रहे हैं और ये बच्चों का शोषण कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? थैंक यू मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर खंडल सर, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ आपका। ITS एजुकेशन ग्रुप 95 में इस्टेब्लिश हुआ 25 साल पहले। आपके जैसे बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही सीनियर एकेडमिशियंस की बदौलत ITS आज वहाँ है सर, जहाँ हम हैं। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि आपने आज मुझे मौका दिया आपके साथ इस सेशन में लाइव होने का। आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश ऑल द फेलो पैनलिस्ट अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सर, आपके सवाल पे आते हुए, जो कि ये माफिया और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर एक्सप्लोरिंग, सर इसका बहुत ही सिंपल आंसर मैं देना चाहूँगा। अगर हम एक एम्प्लॉयमेंट रेशो देखें, इंडिया में 23.50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एज ऑन अप्रैल 2020। आई होप आई एम ऑडिबल सर। यस यस, वेरी मच। और बहुत सही पॉइंट उठा रहे हो, बहुत अच्छा पॉइंट उठा रहे हो। तो सर, लुकिंग एट द अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ITS हो, चाहे वो कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कंट्री को सबसे ज्यादा हेल्प करता है इस अनएम्प्लॉयमेंट रेशो को कम करने में। उसके बावजूद सर, जैसे कि आपने कहा, जो एक रिस्पेक्ट प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डिजर्व करता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसमें सर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा आपके क्वेश्चन में। फ्यूचर इंडिया का यूथ है, हम सब लोग इस बात को मानते हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है सर, मैं सबको बताना चाहूंगा, मोर देन 50% इज अंडर द एज ऑफ 25 ईयर्स। सूनर इंडिया की जो एवरेज एज पॉपुलेशन होगी वो 29 ईयर्स होगी। ये सब स्टैटिस्टिक्स फिगर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि हम सब इस बात से सहमत हैं कि फ्यूचर यूथ के ऊपर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इंडिया का फ्यूचर यूथ संभालेगा। सर, ये यूथ सबसे ज्यादा हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास है, ITS इंस्टीट्यूशन या कोई और इंस्टीट्यूशन।
जब हम लोगों के पास ये फ्यूचर है। सिद्धा जी प्रश्न ये आ जा रहा है कि यूथ को तो हम बांट दे रहे हैं, यूथ को तो हम कह दे रहे हैं इसके 45% मार्क्स आए हैं, 50% आए हैं, ये इंजीनियर बन ही नहीं सकता। वो जो टैलेंटेड यूथ है, संस्कारी यूथ है, जो कुछ भी बन सकता है, उसको तो हम वहीं बांट दे रहे हैं इस पे कि आप इंजीनियर बन ही नहीं सकते। इसके बारे में क्या विचार है? सर मेरा ओपिनियन थोड़ा इसमें ये है कि ऐसा कुछ नहीं है सर। पर्सनली मैं फिर से अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। सर 10th क्लास में मेरे 60% नंबर थे, 12th क्लास में मेरे 85%+ नंबर थे। ये मैं अपनी तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बस ये चाहता हूँ एक परसेंटेज के बेसिस पे एक इंसान का फ्यूचर नहीं डिपेंड करता। मैं अधिकतर अपनी सारी स्पीचेस में कहता हूँ नंबर लाना जीवन का शुरू और अंत नहीं है। ITS में भी हम लोग जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं सर। मेरा जो आपका सवाल है उसका सीधा आंसर सर ये है, ये मैं नहीं सहमत हूँ कि 50% वाला बच्चा जो एडमिशन लेगा वो इंजीनियर या मैनेजर नहीं बनेगा, ऐसा सर बिल्कुल नहीं होता। अच्छा दूसरी बात अर्पित जी, आप ये बताइए कि आजकल ये देखा जाता है हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट के 90 से ऊपर मार्क्स है, 95% मार्क्स आ गए तो भी वो ये कहते हैं कि 100 आते, एक ये बात। दूसरी ये बात कि जो 100% वाला बच्चा है वो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में आता ही नहीं, वो चला जाता है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो लेडी श्रीराम में चली जाती हैं वो बच्चियां, और वो सेंट स्टीफन्स कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इन सब कॉलेजेस में चली जाती हैं। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज से 30-40 किलोमीटर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइन लगी है बच्चों की, सब 90 से ऊपर 95 से ऊपर, और आप तरस रहे हैं कि आपके यहाँ बच्चे एडमिशन लेने नहीं आते। तो ये जो विरोधाभास है समाज का, ट्रेंड का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सर आपका क्वेश्चन का आंसर एक एक करके करूंगा सर। आपने मुझसे सर पूछा कि जो 90-95% स्टूडेंट्स हैं वो हम लोगों के पास नहीं आता। सर ये हार्श रियलिटी है, स्टूडेंट की प्रेफरेंस सर दिल्ली यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी रहती है। लेकिन सर उसके बावजूद मेरा पर्सनली ये मानना है जैसे कि हम लोग इतने 25 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास सर स्टूडेंट्स आते हैं। और ये हमारे जो टीचर्स हैं सर, जो जिन्हें मैं बैकबोन कहता हूँ एक संस्था की, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हम नहीं चलाते, मैं नहीं चलाता सर मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट एकेडमिशियन चलाते हैं सर, टीचर्स चलाते हैं, टीचर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है सर। तो सर हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपने कही कि 90% नहीं आते। इनफैक्ट सर अगर हम लोग अच्छा काम करें जो हम लोग कर रहे हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। और मैंने सर आपसे पहले भी बहुत बार शेयर किया, हमारा डेंटल कॉलेज जो चल रहा है इंडिया में, अब जैसे डेंटल कॉलेज की अगर बात करें सर, पूरे इंडिया में 32 स्टेट से हमारे पास बच्चे आते हैं सर। ये अपनी अपनी मेहनत के ऊपर है, कई चीज़ों का नाम हो जाता है, ब्रांड हो जाता है, जैसे IIT, IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी का ब्रांड हो गया है। लेकिन सर उसके बावजूद हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन अगर मेहनत करें तो मुझे नहीं लगता सर कुछ भी असंभव है। देखिए अर्पित जी मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, आप स्टेट गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोलिए, कहीं भी वेबसाइट पे ITS के अचीवमेंट का कोई चर्चा है, IIMT के अचीवमेंट की कोई चर्चा है, SR ग्रुप के इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन का फोटो है? क्या हमारे अच्छे अच्छे अध्यापक, क्या एक पैनल नहीं होना चाहिए अध्यापकों का यूपी के? क्या यूपी सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि हमारे राज्य में इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित अध्यापक हैं, क्या अध्यापकों का एक पैनल नहीं होना चाहिए, एक पोर्टल नहीं होना चाहिए? क्या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनकी गरिमा का उनके बारे में वेबसाइट पे गवर्नमेंट के नहीं होना चाहिए? सर मैं आपकी बात से 110% अग्री करता हूँ कि इस पॉइंट को सर मैं ऐसे ऐड करूँगा, हमारे कंट्री में सर बहुत सारी रेटिंग रैंकिंग्स होती हैं, NIRF है, NAC है, NBA है, इसके अलावा सर और बहुत सारी रेटिंग रैंकिंग्स हैं जिनके मैं पर्सनली बहुत खिलाफ हूँ। रेटिंग रैंकिंग सर जैसे कि आपने कहा एकेडमिशियंस को करनी चाहिए, एक पैनल होना चाहिए हाईली क्वालिफाइड एकेडमिशियंस का जो कि पैरामीटर सेट करें और वो लोग जज करें कि क्या ITS अच्छा कॉलेज है या नहीं है। तो सर जैसे कि आप बाकी लोगों से भी सुझाव पूछ रहे हैं, मैं आपके इस सवाल में एक सुझाव भी देता हूं कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर क्वालिफाइड एकेडमिशियंस को ही
एक पैनल को ये हक अधिकार देना चाहिए कि वो रेटिंग रैंकिंग अवार्ड रिलीज कर सके, ना कि सर कोई भी ऐसे ही कोई भी आके बच्चों को कंफ्यूज करता है सर, इंस्टीट्यूशंस को ये ऑफर दे के कि ये रैंकिंग खरीद लो, ये अवार्ड खरीद लो। हम लोग सर पर्सनली इन चीज़ों के बहुत खिलाफ हैं, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस बात को कह भी पा रहा हूँ और मैं 110% सर आपसे अग्री करता हूँ। एकेडमिशियंस शुड बी इंक्लूडेड एंड शुड ओनली बी द पीपल हु शुड जज एंड रेट द इंस्टीट्यूशंस एंड गिव द कंट्री द वे अहेड हाउ टू गो अबाउट इट। अच्छा अर्पित जी, मुझे ये बताइए कि अभी जैसे मान लीजिए बहुत सारे शिक्षक गण जॉबलेस हो रहे हैं, तो उनको कंटिन्यूटी में उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट बाय द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए क्या? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट हर चीज के लिए एक एक वो ला रही है, स्कीम्स ला रही है कि भाई ये कोरोना कोविड पैंडेमिक में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इस सेक्टर को ये स्कीम दी जाएगी, इस सेक्टर को ये स्कीम दी जाएगी। बट सैडली द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज, बाकी पैनलिस्ट सर ऑलरेडी कह चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, एजुकेशन पे ऐसी कोई स्कीम नहीं एग्जिस्ट करती सर। बच्चा फीस नहीं दे रहा, फैक्ट है। कॉलेज टीचरों को सैलरी दे रहा है, फैक्ट है। और अनएम्प्लॉयमेंट की सर बात करें, मैं एक बहुत ही अच्छा स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल। नैसकॉम का भी रिसेंटली सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सर उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में 40% ऑफ करंटली एम्प्लॉयड पीपल विल अनएम्प्लॉयड फॉर रील ना किए गए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब टेक्नोलॉजी जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है। अभी सर मैंने आपको बताया ऑलरेडी करीबन 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इस देश का है, ये सर बढ़ेगा ही अगर रीस्किलिंग नहीं हुई। अब मैं सर गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये रीस्किलिंग करेगा कौन? रीस्किलिंग सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट रीस्किलिंग कब और कैसे करेंगे? उन्हें सर प्रॉपर रिसर्च ग्रांट्स देनी चाहिए, एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। बाकी पैनलिस्ट ऑलरेडी कह चुके हैं, फिर वो बात रिपीट होगी सर। मेरा पर्सनल ओपिनियन है देयर शुड बी अ पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स फॉर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो चाहे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो, बनाने में यूज हो, फ्यूचर ऑफ द इंडिया को एक राह दिखाने के लिए यूज किया जाए सर। वेरी गुड अर्पित जी, वेरी